हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कृषि किंग पर मैं अजय कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि कुछ कमेंट प्राप्त हुए थे कुछ दोस्तों के किसान भाइयों के कि जो हमारे जो सरसों की जो फसल है, सरसों की जो खेती है करते हैं तो लगभग जो ये समय है तो सरसों से जो खलिहान से हम सरसों को अलग कर चुके हैं, यानी कि हम उसको जो हमारी फसल है उसको घर में एकत्रित कर चुके हैं। तो उनके बारे में कुछ टिप्स और उसके कुछ क्या घर में हम कहीं कुछ गार्डन के अंदर या डेज गार्डनिंग के अंदर भी सरसों का कुछ महत्व है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सरसों के ऊपर कि सरसों की कुछ लोगों के जो कमेंट आए कि क्योंकि मौसम है जो खराब हो रहे हैं और कई जगह जो सरसों के जो खलियान है उनसे सरसों वो निकाल कर अपने घर पर नहीं लेके आए, यानी कि जो मस्टर्ड है वो उसको निकाल अभी खेत के अंदर ही एकत्रित किया हुआ है। तो अब बारिश के मौसम में क्या समाधान है कि किस प्रकार से हम उसको जो खलियान है हमारा अगर वो भीग भी जाता है तो हमें समस्या हो जाती है, ये तो आप भी जानते हो। मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा अगर आपके बरसात का मौसम बन रहा है, अगर बारिश होने की संभावना है, अगर आपके जो सरसों का खेत है उसमें आपने अच्छी तरह से जो सरसों सूखी हुई सरसों लगा रखी है तो आप उसको जल्दी से जल्दी निकलवा ले, क्योंकि सरसों बारिश के अंदर जितनी भीगेगी और भीगने के बाद में जो सरसों के अंदर जो तेल की मात्रा होती है जो हम खाते हैं उस तेल की जो मात्रा है वो भीगने के बाद उसमें कुछ प्रतिशत कमी आती है और उस कमी आएगी तो सीधा सीधा उस कमी का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जो हमारी इनकम होती है आर्थिक आय होती है सीधा सीधा उस प्रभाव उस पर उसका गिरता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमारी जो सरसों है वो भीग भी जाए, बारिश आ गई, प्राकृतिक ये मौसम ऐसा ही है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर भीग भी जाए तो क्या तुरंत गीली सरसों निकलवाना ही बेस्ट रहेगा? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नो, क्योंकि आप गीली सरसों निकलवाएंगे तो जो सरसों के जो दाने हैं उनकी जो फूटने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा हो जाएगी, जिससे हम उसको अगर मार्केट के अंदर लेके जाते हैं तो मार्केट के अंदर भी उसके प्राइस क्या होंगे, डाउन होंगे और उसके अंदर एक तेल की मात्रा की भी कमी आएगी तो हमें चारों तरफ से क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए अगर भीग चुकी है तो आपको दो चार दिन वेट करना है और जैसे जो आपका अपने आसपास का जो मौसम यानी कि जो पर्यावरण के अंदर जो बदलाव हो रहा है मौसम जैसे ही खुले धूप खिले तो आप उसको जल्दी से क्या करते हैं उसको बिखेर करके उसको सुखा ले और सुखाने के बाद आप जल्दी से जैसे आपने सुबह के समय उसको बिखेरने के बाद में आप पूरे दिन उसको धूप लगने दें और धूप लगने के बाद शाम के समय उसको निकलवा ले। लेकिन जब भंडारण कर रहे हैं तो भंडारण करते समय हमें स्पेशल इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भंडारण कर रहे हैं उसको हमें या तो जो अपनी जूट की जो बोरियां आती हैं उनके अंदर ही रखना है या फिर मकान के अंदर, ऐसे मकान के अंदर जिसमें नमी ना हो। दूसरी बात ऐसी कि उसके अंदर हवा का जो आवागमन है वो संपूर्ण रूप से होता रहे, क्योंकि जैसे ही आप भीगी हुई जो सरसों होती है कोई भी अनाज होता है जब हम वो एक साथ ज्यादा मात्रा में एकत्रित होता है या जो हवा रहित जो प्लास्टिक के गड्ढे आते हैं इनके अंदर हम वो डालते हैं तो उनके अंदर हवा नहीं मिलती है और जो दाने के अंदर जो नमी की मात्रा होती है उससे भाप बन के जो हमारा सरसों के दाने होते हैं वो खराब हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि हम कई बार क्या करते हैं पॉलीथीन के जो कट्टे आते हैं प्लास्टिक के जो कट्टे आते हैं उसमें हम अपना जो गीला अनाज भर के रख देते हैं तो पूरा कुछ दो या तीन दिन के अंतराल में ही उस कट्टे के अंदर आप उसके अंदर हाथ धोके तो आपका हाथ भीगा भीगा और सफेद हो जाएगा। तो वो क्या होती है उसकी वजह से जो हमारे जो तेल की मात्रा भी है वो भी कम होती जाती है। तो आपको ऐसा स्थान चुनना है स्टोरेज करने के लिए, भंडारण करने के लिए, जो एक बिना नमी के हो, दूसरा उसके अंदर वायु का अच्छी तरह प्रवेश आगमन अच्छी तरह का होता हो, तीसरा आप उसको जब निकालने के बाद दो या तीन दिन तक हमें क्या करना है उसको बार बार हाथों से मतलब मिलाना है, जो ऊपर का भाग है वो नीचे चला जाए और नीचे का भाग है वो ऊपर आ जाए, जिससे क्या है कि जो दानों के अंदर जो नमी की मात्रा निकलेगी तो वो क्या होगा
एक वायुमंडल में सीधा मिल जाएगा और जो नमी रहेगी वो दानों में आपस में चिपक करके दानों को खराब नहीं करेगी, वरना क्या है पूरे दानों आपस में क्या होंगे उस नमी की वजह से, और साथ में जो तेल की मात्रा होती है फिर वो नमी के साथ हमें पता है कि तेल की मात्रा भी आती है और वो चिपक जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो सरसों में जो होते हैं वो खराब होने लग जाती है। अब बात करेंगे हमारी जो टेरेस गार्डनिंग में है तो उसके लिए जो सरसों के जो खली सरसों की खली होती है वो कैसे किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से वो हमारे लिए फायदेमंद है, तब बात करेंगे। जैसे हमने घर पर या छत पर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो टेरेस गार्डनिंग करते समय कई पौधों के अंदर जो विशेष प्रकार के जैसे गमलों के अंदर कुछ पार्कों में कई प्रकार के जो तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है, तो हमें क्या करना है अगर सरसों की जो खली है हमें एक बात का ध्यान और रखना है, आपने आज सरसों के जो मस्टर्ड के जो दाने होते हैं उससे आपने आज ही सरसों का जो तेल अलग करवाया है और उसकी जो खली शेष रही है हमारे पास में उस खली को आज ही हमें पादप के अंदर नहीं डालना है, एक तो ये बात जरूर ध्यान रखना। दूसरा क्या करना है कि आप जब ताजा आपने खली दुकान से या मार्केट से भी खरीदी है तो कम से कम उसको 2 दिन तक खुले वातावरण के अंदर जरूर रखें, उसके बाद में अगर नहीं रखेंगे अगर हम डायरेक्ट उसको पानी के अंदर मिला करके पादप को दे देंगे तो पादप के जो जलने की आशंका है वो ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो मस्टर्ड ऑयल की जो खली है उसको क्या करना है 2-3 दिन वायुमंडल के अंदर खुला पड़ा रहने देना है और उसके बाद उसको 1-2 गिलास पानी के अंदर उसको भिगो कर रख देना है और फिर उस जो वो क्या है एक मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो जाएगा और मिश्रण के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच नमक की थोड़ी सी मात्रा डाल के उसके अंदर घोल के जो आपने गार्डन के अंदर या छत पर गमलों के अंदर जो भी आप किसी भी प्रकार के पादप लगा रखे हैं उनके अंदर थोड़ा 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 वो सभी पादपों के अंदर डाल दें जिससे कि पादप की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो कई जो तत्व होते हैं उनकी प्रचुर मात्रा होती है जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो पादप है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें छोटे मोटे घर के आइटम होते हैं हमारे किचन के ऐसे होते हैं कई बार जैसे चीकने खाने के जो बर्तन वगैरह होते हैं उसकी जो चिकनाई है उसको ज्यादा मात्रा में ना लेके हम हल्की सी मात्रा में भी गार्डन के जो पौधे होते हैं उसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे पादपों के लिए जो विशेष प्रकार के गमलों के अंदर लगाए जाते हैं पॉलीबैग के अंदर लगाए जाते हैं उनके लिए वो विशेष प्रकार के फायदा पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही और अब बारिश का मौसम चल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अगर आपके पास सूखी हुई फसल है तो आप उसको जल्दी से निकलवा के अपने घर में उसका भंडारण कर लीजिएगा क्योंकि बारिश की वजह से भीगने की वजह से हमारे जो सरसों के जो दाने होते हैं वो खराब होते हैं, तेल की मात्रा भी उनमें कम हो जाती है जिसका जो प्रभाव है जो सीधा सीधा प्रभाव है वो कहाँ पड़ता है हमारे आर्थिक बजट पर पड़ता है, तो वो आर्थिक बजट एक बार गड़बड़ाने के बाद में फिर धीरे धीरे क्या है गड़बड़ाता चला जाता है, यानी एक तरह से हमारा जो आर्थिक घाटा है वो बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जो दोस्त साथी हैं जिस जो टेरेस गार्डनिंग वगैरह या फिर खेती का कार्य करते हैं वो किसी प्रकार के कुछ टिप्स लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।